शांति व्यवस्था बनाते हुए अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित ढंग से रहें। अनावश्यक रूप से गली मोहल्ले और घर के बाहर कहीं भी किसी प्रकार की भी न लगाएं। महुआ टाड़ थाना क्षेत्र के धवैया ग्राम में ग्रामीणों की पिटाई से एक युवक की हुई मौत। गांव में धारा 144 लागू। बोकारो जिले के महुआ टाड़ थाना क्षेत्र के धवैया गांव में एक समुदाय विशेष के 45 वर्षीय मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अपुष्ट जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिस समय युवक की पिटाई की गई उसी समय कुछ दूरी पर मूर्ति विसर्जन का प्रोसेशन भी निकला हुआ था। प्रोसेशन में मौजूद पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल युवक को गंभीर अवस्था में रामगढ़ अस्पताल भेजी। वहां के चिकित्सकों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया था, जहाँ रिम्स के चिकित्सकों ने जांचोपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। गांव में आपसी तनाव उत्पन्न ना हो इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जिले के पुलिस पूरे गांव में कैंप की हुई है। पूरे गांव में अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बेरमो SDPO सतीश चंद्र झा ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में मृतक के परिजनों के द्वारा 21 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है, जहां पुलिस के द्वारा 11 लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अपुष्ट खबरों के अनुसार मृतक का गांव के ही दूसरे समुदाय के महिला के साथ अवैध संबंध था, जो ग्रामीणों को नागवार लग रही थी। बताया जाता है कि इसी कारण घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। BNP न्यूज के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। महुआटार थाना के धवैया गांव में कल रात्रि में मूर्ति विसर्जन जब हो रहा था, ठीक उसी समय एक दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा एक युवक की जो है अवैध प्रेम संबंध के नाम पर पिटाई कर दी गई। और पिटाई की जब जानकारी थाना प्रभारी और पुलिस बल को लगा, जानकारी मिली, तो वो जा कर के उसको रेस्क्यू करके उस भीड़ से बचाए और उसको लेकर इलाज के लिए ले गए, जहाँ से उनको रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स रेफर में रिम्स जब तक पहुँचते तब तक वहाँ पर बताया गया कि ये उनकी जान मौत हो चुकी है। इसके बाद मृतकों के जो लड़के हैं और के भाई हैं, उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया और इसमें 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कितने लोगों पर मामला है? 22 लोगों पर। काम है तनाव वैसी जैसी नहीं, आप भी यहीं पर हैं, आप देख रहे हैं कि माहौल शांतिपूर्ण है और बड़ी अच्छी बात है। दोनों समुदाय से लोग बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ पर रहते हैं और इतने के बावजूद भी सौहार्द है। सर, धारा 144 लगाया गया है? जी, धारा 144 लागू की गई है। किसी भी तरीके से 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने का रोक है और विशेष स्थितियों को छोड़ करके 5 लोग वहाँ नहीं जमा हो सकते हैं और किसी भी तरीके का आयोजन, चाहे धार्मिक हो या किसी भी तरीके का आयोजन हो, उसे मना नहीं है।